हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 6 मोर अबाउट डिवीजन। दिस लेसन विल कम इन योर थर्ड पीरियोडिक असेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई वी विल डू रिवीजन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन। हियर शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन इज ऑलरेडी गिवन हियर। ओके, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन इज गिवन एंड वी हैव टू राइट लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन। ओके, सो सी एग्जांपल ए, 56 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 8। दिस इज शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है एंड वी हैव टू राइट लॉन्ग फॉर्म। ओके, सो वी हैव टू राइट लॉन्ग फॉर्म इन दिस सिंबल। ओके, सो हियर डिविडेंड इज 56, 56 इज द लार्जेस्ट नंबर एंड इट इज द डिविडेंड। ओके, सो 56 डिवाइडेड बाय 7 is equal to 8. We have to write in long form in this symbol. Okay, so 56 we will write here. Okay, dividend we have to write always in this symbol, under this symbol. Okay, then 7 is divisor. 7 is divisor, so we have to write divisor here. Okay, and the quotient is 8. So we have to write quotient here on top of this symbol. Understood? So ये जो short form दिया हुआ है उसका हमें long form लिखना है। So long form जब भी हम लिखेंगे तो जो first number होता है वो होता है dividend. Dividend हमको इस symbol के अंदर लिखना होता है. Then divide के बाद में जो number डिवाइड का सिंबल है उसके बाद में जो नंबर दिए हैं 7 वो डिवाइजर है। सो डिवाइजर को हम यहाँ लिखेंगे, है ना, सिंबल के सामने। एंड इज इक्वल टू के बाद में जो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन मींस ये आंसर है। सो ये आंसर को हमें कहाँ लिखना पड़ता है, टॉप पे। अंडरस्टूड? देन एग्जांपल नंबर बी, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2। So 20 divided by 10 is equal to 2. So where we will write 20? Yes, we will write 20 here in this symbol. Okay, then we have written 20 dividend, we have written here, then divided by 10. So 10 is divisor. Where we will write divisor? Yes, before this symbol. Okay, so 20 divided by 10 is equal to, answer is 2. Answer means question. Okay, so 2 is question, means it is answer also. So we have to write question on top of this symbol. Okay, 20 divided by 10 is equal to 2. Understood? Question number 1. In question number 1, what we have to do? We have to write the long form. Okay, this is short form. शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, इस शॉर्ट फॉर्म के लिए हमें लॉन्ग फॉर्म लिखना है। तो जब भी हम लॉन्ग फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इसमें डिविडेंड कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर होता है जो सबसे लार्जेस्ट भी होता है वो होता है डिविडेंड। सो डिविडेंड को हम इस सिंबल के अंदर लिखते हैं। ओके, उसके बाद में डिविजन का सिंबल एंड 7 दिया हुआ है। सो डिविजन के सिंबल, डिवीजन के सिंबल के बाद जो नंबर दिया है 7 वो है डिवाइजर, इसलिए डिवाइजर हम इस सिंबल के आगे लिखते हैं, है ना। देन इज इक्वल टू के बाद में जो 8 नंबर दिया हुआ है वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन मींस आंसर ऑफ द डिवीजन। सो क्वेश्चन हम ना लिखते हैं टॉप साइड में। अंडरस्टूड? देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द बॉक्सेस। Question number 2 is fill in the boxes. Example A, 20
28 divided by 4 is equal to 7. Okay, so the example A of question number 2 is 28 divided by 4 is equal to 7. And the boxes are dividend, divisor, and question. We have to identify the dividend, divisor, divisor, and question. इस example में हमें क्या करना है? 28 divided by 4 is equal to 7. ये जो यहाँ पे दिया हुआ है log form, right? Dividend का log form. इसमें से हमें dividend, divisor, and question identify करके लिखना है. Okay? So dividend. First is dividend. So which is division? Dividend here. Dividend कौन सा है? एग्जाम्पल में 28. सो द लार्जेस्ट नंबर जो होता है जिसे डिवाइड किया जाता है वो नंबर होता है डिविडेंड. सो 28 इज डिविडेंड. देन डिवाइजर, डिवाइजर कौन सा होता है? ये जो डिविडेंड का सिंबल है इसकी पहले इसके सामने जो नंबर होता है वो होता है डिवाइजर. सो 4 इज डिवाइजर. एंड क्वेश्चन, थर्ड बॉक्स इज for question. So question is 7. ये जो division की symbol के ऊपर जो number दिया हुआ होता है वो होता है question. Understood? Then example number B, 45 divided by 9 is equal to 5. Here also we have to identify the dividend, divisor, and question. I hope you understood example number A. So you can easily identify dividend, divisor, and quotient in example number B. So dividend E is 45. ये जो symbol है dividend का इसके अंदर जो number दिया हुआ 45 ये है dividend. Dividend कौन सा है? 45. Then divisor is 9 and quotient is 5. Okay, understood? Then question number 3. Find the quotient and the remainder. Okay, अभी तक हमने question number 1 and question number 2 पढ़ा. I hope you understood. Now we will solve question number 3. In question number 3, we have to find the quotient and the remainder. Okay. अब question number 3 में हमें जो division है हमें solve करना है. Okay. Division को solve करना है. So example number A, 48 divided by 2. 48 को 2 से divide करना है. So ये solve करने के लिए हमें अब ये नंबर्स को अरेंज करने होंगे. ओके, सो हियर वी विल ड्रॉ द सिंबल ऑफ डिवीजन. सिंबल ऑफ डिवीजन कैसे ड्रॉ करेंगे? हाफ सर्कल, देन इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, एंड देन वी विल राइट डिविडेंड अंडर दिस सिंबल. इस सिंबल के अंदर में डिविडेंड लिखना है. सो विच इज डिविडेंड? 48 और 2? यस, 48. लार्जेस्ट नंबर जो होता है जो फर्स्ट मतलब जो डिवीजन के सिंबल के पहले आता है जो नंबर होता है उसे डिविडेंड बोलते हैं. ओके, सो 48 को हम सिंबल के अंदर लिखेंगे एंड जो डिवीजन के सिंबल के बाद में आता है द सिंबल ऑफ डिवीजन जो नंबर होता है वो होता है डिवाइजर. सो वी विल राइट डिवाइजर हियर. ओके, 48 को 2 से डिवाइड करना है. सो इस डिवीजन के सिंबल में हमने 48 लिखा and 2 हमने लिखा यहाँ पर because 2 is divisor. Now we have to divide 48. Okay, so while doing the division we have to divide from tens place. Okay, while doing addition, subtraction and multiplication we start solving from ones place, but in the division we always start solving from tens place
और फ्रॉम हंड्रेड प्लेस, अगर थ्री डिजिट नंबर है तो हंड्रेड प्लेस से सॉल्व करते हुए जाते हैं, अगर टू डिजिट नंबर है तो टेंथ प्लेस फर्स्ट में, फिर सेकंड टाइम फर्स्ट प्लेस को डिवाइड करते हैं। ओके, सो टेंथ प्लेस में देखिए नंबर कौन सा है, फोर। अभी हमें क्या करना है, टू से फोर को डिवाइड करना है, वन बाय वन डिवाइड करेंगे। सो टू के टेबल में फोर आता है क्या, यस से, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू के टेबल में फोर टू टाइम में आता है, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू टाइम में आता है। सो दैट्स व्हाई वी विल राइट टू हियर एंड फोर अंडर द फोर देन सबट्रैक्ट। ओके, हमने क्या किया, टू के टेबल में फोर टू टाइम में आता है, इसलिए टू यहाँ लिखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन के टेस्ट प्लेस में, एंड फोर के नीचे फोर लिखा एंड सबट्रैक्शन का सिंबल दिया, फोर माइनस फोर। अब फोर माइनस फोर करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। ओके, देन ये जो एट है इसको हम नीचे लाएंगे, वी विल ब्रिंग एट डाउन हियर, देन वी हैव टू डिवाइड एट बाय टू, एंड टू के टेबल में एट कितने टाइम्स में आता है, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, टू थ्री जार सिक्स, टू फोर जार एट, फोर टाइम में। सो इसलिए हम फोर यहाँ लिखेंगे एंड एट को एट के नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट का सिंबल देंगे, एट माइनस एट जीरो। देखिए अभी 48 में दोनों नंबर हमने पहले 4 को डिवाइड किया, फिर बाद में 8 को डिवाइड किया, अब यहाँ साइड में कोई भी नंबर नहीं है, इट मींस हमारा डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन के लिए मैं शॉर्ट में क्यू लिखता हूँ एंड रिमाइंडर के लिए शॉर्ट में आर लिखता हूँ। सो आइडेंटिफाई हियर व्हिच इज क्वेश्चन, क्वेश्चन इज जो टॉप में होता है, डिवीजन के सिंबल के टॉप में जो नंबर होता है, जो हमारा आंसर होता है वही होता है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज 24 एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब ये लास्ट में जो नंबर बचता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं, सो रिमाइंडर इज 0। अंडरस्टूड, देन एग्जांपल नंबर बी, 693 डिवाइडेड बाय 3। सो वी विल अरेंज इन सिंबल ऑफ डिवीजन 693 डिवाइड बाय 3 हियर। नाउ we will start, this is three digit number, so we will start divide, we will start division from 100 place. So सबसे पहले 6 को 3 से divide करेंगे, so 6 जो है 3 के table में कितने times में आता है, 2 times में, 3 with the 3, 3 to the 6, so we will write 2 here, 6 under 6, 6 minus 6, 0, then we will bring down 9 here, and in table of 3, 9 comes in how many times? Say the table, 3 was the 3, 3 to the 6, 3 to the 9. So we will write 3 here and 9 under 9. Subtract 9 minus 9, 0. Then we will bring 3 here. Now we will divide 3 by 3. 3 was the 3. So we will write 1 here and 3 under 3. 3 minus 3, 0. So question is 231 and remainder is 0. Understood? Then example number C, 67 divided by 8. So we will write 67 here and 8 here. Now this is two digit number. Okay. So we will divide one by one. Okay. We have to divide here 6 by 8, and you can see that 6 is smaller than divisor. 6 is smaller than divisor. 6 जो है, जो 8 है divisor इससे छोटा है. So what we will do? Yes, if we say the table of 8, 8 ones are 8. One time हम 8 का table बोलते हैं तो 8 ones are 8. 8 जो होता है 6 से बड़ा होता है, और हम डिवाइड करते समय कभी भी हमें ये जो डिविडेंड में जो नंबर है उससे छोटा नंबर या वही नंबर टेबल में आना चाहिए, ये देख ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 को डिवाइड करेंगे 8 से, बट 0 से डिवाइड करेंगे, 8 0 जार 0, 0 का डिवीजन देंगे। ओके, 8 0 जार 0,
क्यों? क्योंकि 8 1 8 होता है और 8 तो 6 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 8 0 0 0 देंगे। 6 1 0 6, ठीक है। इसके बाद में जो सेकेंड नंबर है 7, उसको नीचे लाएंगे यहाँ पर। अब ये बन गया 67। Now we will divide 67 by 8. So see, say the number of 8 till 67 or before 67. Okay. So I know that you know the table. 8 8s are 64 and 8 9s are 72. So which number we will take? 8 8s are 64. Because 8 9s are 72. 72 is greater than 67. So that's why we will take 8 8s are 64. So we will write here 64. 7 minus 4, 3. And 6 minus 6, 0. अब देखिए साइड में कोई भी नंबर नहीं है, हमारा डिवीजन यहाँ कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन इज 8, क्वेश्चन हमें क्या मिला? 8 एंड रिमाइंडर क्या मिला? 3। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। सो राइट ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, राइट फास्ट। ओके, कंप्लीटेड स्टूडेंट्स? बाय।